So, दोस्तों कैसा लगा ये व्यू? है ना ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से आपको व्यू मिल रहा है क्रीक का, थाने क्रीक का, ग्रीन जोन, सीआरजेड जोन का। और अगर आप अपनी बालकनी से नीचे की तरफ देखोगे तो आपको व्यू मिलता है गणेश टेम्पल का। तो ऐसा व्यू मंदिर का और क्रीक व्यू आपको काफी कम फ्लैट्स में देखने को मिलेगा। ये है एक 3BHK। 3BHK का कारपेट भी मैं आपको लगभग 1200 के आसपास का कारपेट इसमें देने वाला हूँ, दो कवर्ड कार पार्किंग के साथ। और काफी स्पेशियस फ्लैट है। फ्लैट तो स्पेशियस है ही, इसमें एडिशनल आपको स्टोरेज स्पेस के लिए अलग रूम मिल जाता है, ड्राई एरिया के लिए भी काफी बड़ा स्पेस मिलता है। तो स्पेस में कोई कमी नहीं है, व्यू एक्सेलेंट है। तो इसके पहले कि मैं आगे का फ्लैट की डिटेल्स आपको बताऊं, आगे का फ्लैट हम कवर करें, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवनिधि प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। मेरा नाम है जय। आज हम कवर करने वाले हैं एक स्पेशियस 3BHK लोधा स्प्लेंडोरा में। इतना बड़ा स्पेस ये प्राइस में आप अगर पूरे थाने में ढूंढ लोगे, मेरी गारंटी है कि आपको इतना बड़ा स्पेस ये प्राइस में नहीं मिलने वाला है। व्यू आपने देख लिया, एक्सेलेंट व्यू, क्रीक व्यू, टेम्पल व्यू आपको मिलता है और ये व्यू आपका लाइफ टाइम ओपन रहने वाला है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है। चलिए आगे फ्लैट कवर करते हैं। ये है आपका लिविंग एरिया, आप देख सकते हो ह्यूज लिविंग एरिया है। इतना बड़ा लिविंग एरिया भी आपको आजकल के कंस्ट्रक्शन में आपको कम देखने मिलेगा। यहाँ पे आपका पूरा आप डाइनिंग सेटअप कर सकते हो और इस तरफ आपका टीवी यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना सोफा सेट डिजाइन कर सकते हो। फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना स्पेस इस पर्टिकुलर लेआउट में बचने वाला है। ये है आपका एंट्री, यहाँ से आपका एंट्री हो जाता है और इस तरफ आ जाता है आपका किचन। तो किचन आपको कंप्लीटली मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है, आप देख सकते हो। दोस्तों किचन आपने देख लिया, किचन कंप्लीटली मॉड्यूलर आपको मिल रहा है। साथ में आपने नोटिस किया होगा कि गैस पाइपलाइन ऑलरेडी आया हुआ है। अब हम अगर एंट्री एग्जिट की बात करें तो एग्जिट आपका नॉर्थ की तरफ जाता है और एंट्री आपकी साउथ की तरफ आती है। दोस्तों अभी हम एक बार लिविंग रूम जो है कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, एग्जैक्टली आपको लेआउट का आइडिया आ जाएगा। साथ में मैं आपको डेक का साइज भी दिखाऊंगा, तो वो आप एक बार कवर कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का फ्लैट कवर करते हैं। दोस्तों चलिए कवर करते हैं आगे का फ्लैट। ये है आपका पैसेज। पैसेज में अगर आप देखोगे मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का साइज भी काफी स्पेशियस है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अभी चेक करते हैं हमारा पहला बेडरूम जो कि है कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम अगर आप देखोगे तो स्पेशियस है, यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाता है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इस बेडरूम में आपको एक स्प्लिट एसी मिलने वाला है। ये बेडरूम जो है इसका साइज है 10x11 अप्रोक्सीमेटली। एसी आपको सारे रूम में इसमें मिलने वाले हैं, तो आप ये एक बार बेडरूम कवर कर लीजिए। दोस्तों आगे हम कवर करते हैं हमारे बाकी के दो बेडरूम। उसके पहले ये एक एरिया आपको मिल रहा है, प्रॉपर एक रूम मिलता है जिसको आप स्टोर रूम बना सकते हो,
यहाँ पे आपका काफी सारा सामान जो आप यूज नहीं करते हो सारा सामान यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस तरफ आता है हमारा ड्राई एरिया, इसका डोर अभी बंद है बट यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो, कपड़े सुखा सकते हो, तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आ जाता है अपना पहला मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम का साइज लगभग आपको 10x12 का मिलता है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज मिल जाते हैं, कबर्ड स्पेस मिल जाता है, एक स्प्लिट एसी मिल जाता है। इस जो ये जो बेडरूम है इसके वॉशरूम का साइज भी काफी बड़ा आपको दिया गया है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़ा बेड आपका इस तरफ आ जाएगा, टीवी यूनिट आपका सामने वाले वॉल पे आ जाएगा, उसके बाद भी दोनों तरफ आपको अच्छा खासा मूवेबल स्पेस बच जाता है इसमें। ये बेडरूम और वॉशरूम आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम कवर करते हैं अपना सबसे बड़ा बेडरूम जो कि है अपना सेकंड मास्टर बेडरूम। यहाँ से आपका पैसेज शुरू हो जाता है, पैसेज के टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो आपका वॉशरूम आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है आपका ये स्पेशियस बेडरूम। स्पेशियस बेडरूम है, आप यहाँ पे देख सकते हो एसी तो आपको मिल रहा है, उसके नीचे ये जो स्पेस है इतना बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है कबर्ड के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हो आपका बड़ा वार्डरोब आप किस तरह यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडोज मिल जाता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बड़े से बड़ा बेड डाल दीजिए, ऑपोजिट वाले वॉल पे आप टीवी यूनिट लगा दीजिए, उसके बाद भी आपको आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि मूवेबल स्पेस इस तरफ और इस तरफ कितना बड़ा मिलेगा। प्लस इसका हाईलाइट ये है कि आपको बालकनी लिविंग एरिया में तो मिल ही रहा है, यहाँ पे भी आपको सेम साइज का एक बालकनी मिल रहा है और ये बालकनी से व्यू आप देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू मिलता है। ये जो व्यू है आपको लाइफ टाइम ओपन व्यू मिलने वाला है, कम्प्लीटली ग्रीन व्यू, आपको माउंटेन भी दिखता है, यहाँ से क्रीक भी दिखता है। तो ये जो क्लाइंट्स है जिनको माउंटेन व्यू चाहिए और क्रीक व्यू चाहिए उनका जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है और ये कम्प्लीटली CRZ जोन है, तो यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट फ्यूचर में भी आने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने फ्लैट, इसका जो कारपेट एरिया है ये है 1124 का, मतलब नियरली एक 1200 का कारपेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफी स्पेशियस फ्लैट है, दो बड़े डेक्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। फ्लैट का कंडीशन टॉप नॉच है, आपको इस फ्लैट में कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पेंटिंग करके आप इस फ्लैट में शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको मिलने वाला है दो कवर्ड कार पार्किंग, दो बड़े पार्किंग आपको मिलते हैं जहाँ पे आपकी बड़े से बड़ी फोर व्हीलर जो है इजिली पार्क हो सकती है। मिडिल फ्लोर पे ये फ्लैट है, व्यू का तो आपने देख लिया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्लियर व्यू आपको मिल रहा है। प्राइजिंग इस फ्लैट का है 1 करोड़ 60 लाख। जो 1 करोड़ 60 लाख का प्राइजिंग है ये है एग्रीमेंट वैल्यू, क्योंकि ये रीसेल फ्लैट है, टैक्सेस इसके ऊपर आपको एडिशनल पे करने होंगे।
और ये जो 160 करोड़ का प्राइसिंग है ये नेगोशिएबल प्राइसिंग है, तो जो भी आपका स्टैम्प ड्यूटी आएगा जो फाइनल नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस ओनर और आपके बीच में एग्री होता है तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है लोधा स्प्लेंडोरा, इसमें आपको सारी लाइफस्टाइल एमिनिटीज मिलने वाली है, सारा कुछ एमिनिटीज आपको मिलता है इसमें, कोई एमिनिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लोकेशन ऐसा है कि यहाँ से जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है यहाँ से हार्डली एक 5 to 7 minutes के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। आपको जो डेली नीड्स है उसके लिए सारे अरेंजमेंट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के बाहर ही किए गए हैं। शॉपिंग मॉल है, मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर है, ATM है, ये सारा कुछ आपको कॉम्प्लेक्स के बाहर ही मिल जाएगा और कॉम्प्लेक्स के बाहर से ही आपको बस स्टॉप, शेयर रिक्शाज वगैरह मिल जाती है। तो अगर ऐसी ही स्पेशियस प्रॉपर्टी आप देख रहे हो तो पूरे थाने में आपको नहीं मिल पा रही है आपके बजट में, आपका बजट 150 से 160 के बीच में है, तो ये प्रॉपर्टी एक बार जरूर आपको विजिट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्पेशियस प्रॉपर्टी पूरे थाने में ये प्राइस में आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।